हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आ गई हूँ नई वीडियो के साथ। तो स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत दिनों के बाद बाहर आई हूँ। आज बच्चों ने जिद कर ली कि पापा चलो बाहर चलते हैं। तो हम लोग मन्नत हवेली आए हैं और यहाँ पर का नज़ारा देखो आप। रोहतक में भी बहुत अच्छा खुल गया है, तो चलो चलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं मन्नत हवेली। ये इसके बाहर का लुक है। यहाँ पर देखो पूरे गाने वाने का भी प्रोग्राम रखा गया है और एंट्रेंस पे इन भैया ने हमारा बड़ा अच्छे से वेलकम किया। और यहाँ देखिए आप, बस हमने एंट्री कर ही ली है। आप देख सकते हैं कि कितनी शानदार हवेली बनाई हुई है। अंदर जाने के बाद जो फीलिंग आ रही है वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ऐसी जगह पर आने के बाद वैसे ही अच्छा लगना शुरू हो जाता है फ्रेंड्स। एक एक चीज़ इन्होंने बड़ी सोच समझ के बनाई हुई है। खाना खाना तो एक बहाना होता है, बाहर आके बच्चों के साथ मस्ती करना और ये सब चलता है। तो बस वंशिका अब बैठ गई है। एक्चुअली वंशिका यहाँ पर आना नहीं चाहती थी। वो एक दूसरा रेस्टोरेंट है। कौन सा रेस्टोरेंट है वंशु? मन्नत हवेली नहीं, अर्जुन मोती महल। मोती महल फ्रेंड्स, ये मोती महल रेस्टोरेंट को ज़्यादा पसंद करती है। वहाँ पर अलग अलग कुजीन को ट्राई करती है, लेकिन आज हम इसको यहाँ पर लेके आए हैं। तो देखते हैं कि ये हमें यहाँ पे बैठने की इजाज़त देगी या नहीं। इसने हमें बोला है कि मम्मी अगर यहाँ पर खाना वैसा ही टेस्टी मुझे मिला तो मैं यहाँ का खाना खाऊंगी, अदरवाइज़ घर चलेंगे। और ये अर्जुन को देखो, लगा हुआ है डांस करने यहाँ भी। अब ये चेक कर रही है, हमें इजाज़त मिल गई है। वहाँ का खाना ज़्यादा अच्छा है। अरे वो तो ट्राई करने के बाद बताएगी ना। मुझे टेस्ट से कुछ मतलब नहीं है, मुझे डिफरेंट कुजीन्स ट्राई करनी होती हैं। अच्छा, तो आज फिर इंडियन कुजीन ट्राई कर लेना। तो फ्रेंड्स, पीछे देखो आप मेरे, कितना सुंदर नज़ारा है। कितनी प्यारी फॉल सीलिंग है, ये देखो आप लोग। मुझे तो बहुत सुंदर लगी है। और दूसरी साइड में फूड कोर्ट है, तो चलो चलते हैं। वाओ, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ये देखो आप मेरे पीछे, जितने भी दूध के आइटम हैं सभी रखे हुए हैं। हर तरह की मिठाई आपको देखने के लिए मिलेगी यहाँ पर। और पहले हम आइसक्रीम खाएंगे। आइसक्रीम कौन खाता है पहले? पहले खाना खाते हैं। नहीं, पहले हम आइसक्रीम खाएंगे। आइसक्रीम बाद में खाना। तो फ्रेंड्स, ये देखो बाहर की साइड फूड कोर्ट बना हुआ है, हम वहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे देखो आप, तरह तरह की शॉप्स खुली हुई हैं। यहाँ पे अचार भी मिल रहा है, चूरन भी मिल रहा है, लेकिन हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आइसक्रीम की तरफ। ये देखो भागा आया है अर्जुन की मम्मी, मिल गई है, मिल गई है। ये देखो, ये एक नया स्टार्ट हुआ है आजकल। हमने यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं इस टाइप से, जो आइसक्रीम सेल करते हैं। ये टर्किश आइसक्रीम सेलर के टाइप से होते हैं। इसमें बच्चे के हाथ में आइसक्रीम आने ही नहीं देते। और यहाँ पे ये चूज़ करवा रहे हैं कि आपको कौन सा फ्लेवर खाना है। और देखो अर्जुन की तो मौज हो रही है, इतनी सारी आइसक्रीम उसको दिखाई दे रही हैं। वंशिका और अर्जुन ने अब सेलेक्ट कर ली है, एक चॉकलेट की ये आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे। और भैया ने भी इजाज़त दे दी, हाँ हाँ ये तो बड़ी अच्छी है, ये तो बड़ी अच्छी है। बस अब ये देखते हैं किस टाइप से अर्जुन को देंगे। यहाँ पे सारा मोल भाव चल रहा है। अभी अर्जुन का दिमाग सेट नहीं हो रहा है। कभी उसका दिमाग मैंगो की तरफ जाता है, कभी चॉकलेट की तरफ जाता है। और वो बोल रहा है कि दोनों खा लो। अरे क्यों खा लो भाई, दोनों एक ही खा लेंगे। और ये देखो, पूरे कर्तव्य करने के बाद जाके अर्जुन को आइसक्रीम मिली है यहाँ पर। ये देखो, उसके हाथ में खाली रैपर पकड़ा दिया, वो उसको दे ही नहीं रहा है आइसक्रीम।
अब लास्ट में जाके अर्जुन को मिली है। इसका मैं एक शॉट डालूंगी फ्रेंड्स, आप खुद देखना। और यहाँ पे ये कौन सी वाली आइसक्रीम होती है, ये बी आर करके, ये बास्किन रॉबिन की आइसक्रीम ली है वंशिका ने, मैंगो फ्लेवर में है, बहुत अच्छी लग रही है इसको। और मुझे भी ट्राई करने के लिए दे रहे हैं ये साथ में, रियली वेरी नाइस, बहुत अच्छा फ्लेवर था इसका, मज़ा आया खाकर। और आप ये देखो कि बच्चों ने अर्जुन के दांत में लग गई है एकदम से, उसने ऐसे खा लिया। और बच्चों ने खाना खाने से पहले आइसक्रीम से अपनी पेट पूजा की है, ये देखो लगे पड़े हैं, बाहर से भी खाई, घर में यहाँ अंदर आने के बाद भी फिर से आइसक्रीम खाई, मज़े हो रहे हैं भाई आज तो। मम्मी खाने दो खाने दो। और ये चल पड़ा है डांस यहाँ पर, ये देखो ये बच्चा बहुत सुंदर डांस कर रहा है, बिल्कुल इसने तो समा बांध रखा है यहाँ पे, कमर देखो इसकी कैसे मटकाता है ये अपनी, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, मस्त डांस है इसका। और हमने भी, मैंने और अर्जुन ने खूब इंजॉय किया। फ्रेंड्स यहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर जो है गाने चल रहे थे, इस वजह से मैं आपको ओरिजिनल साउंड नहीं सुना पा रही हूँ, और इसी वजह से मुझे इसकी जो साउंड है वो बाद में देनी पड़ी है। तो मैं होप करूँगी कि आप लोग बोर नहीं होंगे मेरी इसको वीडियो को देखकर। तो फिर बताती हूँ आप अर्जुन क्या करने जा रहा है। ये देखिए अर्जुन यहाँ के नमक को चेक कर रहा है, नमकदानी में उसने खोल खोल के चेक किया कि इसके अंदर क्या है, और कहता है कि मम्मी इन्होंने तो हमारे साथ घोटाला कर रखा है। मैंने पूछा क्या घोटाला कर रखा है, तो कहते हैं दोनों के अंदर नमक कौन डालता है, ये देखो इसके अंदर भी नमक है, ये दिखाऊंगी आपको, और दूसरे के अंदर भी नमक है। कहते दोनों में नमक कैसे हो सकता है, एक के अंदर तो काली मिर्च होती है ना। तो फिर यहाँ पे जो रेस्टोरेंट में हमें सर्व कर रहे थे, मैंने कहा कि उनसे पूछ ले, और वो आ भी गए हमारे पास। तो मैंने उनसे यही बोला कि अर्जुन बोल रहे हैं इन दोनों में नमक और एक में काली मिर्च होनी चाहिए थी। तो वो भी हंसने लगे, बोले मैडम यहाँ इधर उधर हो गया होगा, अदरवाइज़ एक में काली मिर्च ही होती है। और ये लीजिए फाइनली अब हमारा ऑर्डर आ गया है, और मैं इसका लुफ्त उठाते हुए, मुझे बहुत पसंद है ये। और अर्जुन बीच में ही अपनी चम्मच लेके आ गया है बिल्कुल, कि पहले मैं खाऊंगा। और ये मम्मी बेटा ने मिलके यहाँ पर इसका ब्लास्ट कर दिया है बिल्कुल। फ्रेंड्स ये राज कचौरी होती है, इसके अंदर आपको सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं, और इसमें जो दही भल्ला टाइप का होती है ये, तो मुझे बहुत पसंद है। इसमें कचौरी भी साथ में ही है, दही भल्ला भी साथ में ही है, और चने, और इनका चाट आलू का चाट बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग भी ट्राई ज़रूर करना कहीं राज कचौरी अगर मिलती है तो। हल्दीराम की राज कचौरी जो है वो मेरी फेवरेट है, हल्दीराम के छोले भटूरे भी मेरे फेवरेट हैं। मैं कहीं भी रेस्टोरेंट में अगर जाती हूँ तो वहाँ मैं छोले भटूरे ही ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि मेरी फेवरेट डिश वही है। और ये देखो अर्जुन हम मना रहा है कि चलो मेरे लिए ये मंगवा दो वो मंगवा दो, वंशिका अपना ऑर्डर पसंद करके बैठी हुई है, उसने ऑर्डर किया है सूप और मैंने की थी राज कचौरी, क्योंकि मुझे पता है कि अर्जुन को सूप इतना पसंद नहीं आएगा, उसके अंदर बहुत सारी मिर्च होती है जो ये नहीं खा पाता है। अब देखो इसके दांत टूटे हुए हैं, वो दिखा रहा है कि मेरे आज ही दांत टूटे हैं और हम इस खुशी में यहाँ खाना खाने आए हैं। बिल्कुल इनकी ना खुशी का कोई मतलब ही नहीं होता, किसी भी चीज़ पे खुश हो जाते हैं बच्चे। और ये देखो ये वंशिका बता रही है कि मैंने वेज मंचाओ सूप ऑर्डर किया है, यहाँ पे भी ये नई कुजीन को ट्राई कर रही है, और ये तो पानी से लगा हुआ है कि मैं पानी डाल देता हूँ, गिरने का इतना डर है पानी का कि मुझे इसी बात का डर है कि अब यहाँ पे सारी जगह ये पानी ही पानी ना कर दे। लेकिन अब इसने एक नई चीज़ स्टार्ट की है, कहता है इतने जब तक खाना नहीं आता ना मैं आप लोगों को एक नई डिश बना के दिखाता हूँ,
और इसने एक पेपर ले लिया, उसके ऊपर नमक छिड़क रहा है। ये देखो आप कैसी हरकत कर रहा है ना अर्जुन, ये देखो उसमें नमक डाल लिया है और उसकी एक पोटली बना दी है। और जब भी कोई यहाँ रेस्टोरेंट का बंदा आ जाता है तो उसे छुपके कर रहा है ये सारे काम कि उसे दिखाई ना दे बस। और इस पोटली को अब ये इस पानी के अंदर डालने वाला है, नींबू भी नहीं है इसके पास और फिर भी लगा हुआ है कि मैं एक नई डिश तैयार करूँगा। ये देखो वो पोटली बना के उसने गिलास के अंदर डाल दी। मम्मी लेट्स ट्राई कैसा होगा। क्या ट्राई कैसा होगा, गंदा ही होएगा बेटा ये ऐसे से। दो देखो सारा का सारा उसके अंदर पानी में डाल दिया, उसको निचोड़ भी रहा है, इसको कैसे पी सकता है तू अर्जुन। मुंह से सच में मुंह से पी भी लिया उसको। ये देखो नमक कम लगा तेरे को शायद इसमें, है ना। हाँ और नमक डालना पड़ेगा इसमें, और नमक डाल के तो देखिए फ्रेंड्स अब मैं पीता हूँ नमक वाला पानी। और मैंने देखा इनके नमक में वो भी मिसिंग थी, दोनों सेम नमक थे। हाँ वो मैं बता चुकी हूँ फ्रेंड्स को कि सेम नमक थे, उसके अंदर काली मिर्च नहीं थी। कैसा लगा, कैसा लगा बताओ अर्जुन। बिल्कुल उल्टी जैसा, गंदा है। ये बिल्कुल गंदा पुल लगा है इसको, कोई मजा नहीं आया, कह रहा है बिल्कुल उल्टी जैसा लग रहा है। But try it, try it. और यहाँ देखो इसकी सिस्टर ने इसको टास्क दिया कि यहाँ पे तू पब्लिक प्लेस में डांस करके दिखा और ये हो गया शुरू। मजा आया था ना अर्जुन। हाँ ये देखो ये शुरू हो गया अपना करके डांस वांस, आराम से बैठ गया है। आजकल वंशिका और अर्जुन यूट्यूब पे देखते रहते हैं कि लोग बहुत सारे स्टंट करते हैं और वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, तो बच्चों के अंदर आजकल ये जज्बा आ चुका है कहीं भी डांस करवा लो। और ये मेरे आ गए हैं छोले भटूरे, अभी भी मैं जब डबिंग कर रही हूँ उस टाइम भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है इनको देख के। एक चीज बताऊं, इनने बिल्कुल ये देखो खाना खा के भी फिर से डांस की, बहुत अच्छा लगा है मुझे, बहुत अच्छा लगा है। और इसे शर्म भी आती है कि भाई पीछे से मुझे देख भी रही है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं डिश जो मैंने मंगवाई है। ये देखो आप, ये हमने नूडल्स मंगवाए थे, सिंगापुरी नूडल्स हैं, बच्चों को नूडल्स बड़े पसंद आते हैं इसलिए ट्राई किया। और साथ में लिया था हमने आलू का कुछ फ्राइज टाइप की थी, टमेटो। तो ये देखो आप सब इंजॉय कर रहे हैं फूड को। और फिर से अब हम बाहर आ गए हैं और बाहर के लिए देखो आप कितना सुंदर लग रहा है। और लास्ट आइटम है सौंफ। और बस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ नई वीडियो।